बड़ी खबर देहरादून से, जहां आज इंडिया ड्रोन फेस्टिवल 2.0 में शिरकत करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो सुबह 10:30 बजे आईटीडीए सहस्त्रधारा रोड पर कार्यक्रम का आयोजन है। दोपहर 12 बजे बागेश्वर पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कई नई योजनाओं का सीएम रावत की तरफ से लोकार्पण किया जाएगा। तो दोपहर 12 बजे इस कार्यक्रम का जो वक्त है वो रखा गया है। कई नई योजनाओं का सौगातें जो है वो सीएम की तरफ से दी जाएगी। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर सुबह 10:30 बजे आईटीडीए के सहस्त्रधारा रोड पर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोपहर 12 बजे बागेश्वर पहुंचने का कार्यक्रम है। तो कई नई योजनाओं का सीएम रावत की तरफ से लोकार्पण किया जाएगा। तो वहीं देहरादून वासियों में भी लोगों में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। संवाददाता पंकज पवार हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। पंकज, इस कार्यक्रम को लेकर ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। सीएम आईटीडीए आएंगे, जहां पे ड्रोन से जुड़ी हुए कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। उसके बाद बागेश्वर जाएंगे मुख्यमंत्री, वहां पे कई विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम। और उसके बाद लगभग 3 बजे के लगभग सीएम विधानसभा में पहुंचेंगे। विधानसभा में मुख्यमंत्री आज से खुद के बैठने का कार्यक्रम जो है वो शुरू करेंगे। आज बुधवार है, तो बुधवार और गुरुवार को मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो विधानसभा में बैठेंगे, तो आज से मुख्यमंत्री उसको शुरुआत करने जा रहे हैं और ये अच्छी पहल मानी जा सकती है। जी बिल्कुल पंकज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा यहाँ पर क्या रहने वाला है, क्योंकि कई योजनाओं परियोजनाओं का लोकार्पण भी कर सकते हैं सीएम, तो कई सौगातें भी। बिल्कुल, अगर कहा जाए तो कोशिश सरकार की यही है कि कहीं अब एक्शन मोड में आ जाए। तो आज सीएम बागेश्वर में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण जो करने जा रहे हैं, उसके अलावा आज सुबह आईटीडीए में भी ड्रोन से जुड़े हुए जो सेमिनार होने जा रहा है उसको मुख्यमंत्री ड्रोन फेस्टिवल 2.0 में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर कोशिश सरकार की यही है, जो तमाम चीजें हैं जिनको आने वाले समय में मुख्य सरकार को आगे बढ़ाना है, उन तमाम चीजों को मुख्यमंत्री आज आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज चाहे आईटीडीए का कार्यक्रम हो, चाहे बागेश्वर का कार्यक्रम हो, और उसके बाद विधानसभा में आकर मुख्यमंत्री अपना जो वहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिलना या फिर विधायकों से मिलने का कार्यक्रम है वो करने जा रहे हैं। जी चलिए पंकज, आप नजर बनाए रखिए इस कार्यक्रम को लेकर। फिलहाल शुक्रिया।